जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का व्यंजन बाटी का रसोई में। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल में बहुत ही स्वादिष्ट दही बड़े। फलहारी दही बड़े आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएंगे और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए चाहिए सिंघाड़े का आटा 1 कप, साबुदाना आधा कप, अनार के दाने आधा कप और तेल फ्राई करने के लिए। हरी चटनी बनाने के लिए चाहिए हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अदरक 2 इंच का टुकड़ा, दही आधा कप। अब सबसे पहले हम साबुदाने को पीस लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। अब हरी चटनी बना लेंगे, इसके लिए हरी धनिया 1 मिक्सर जार में, हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा, अदरक और थोड़ा सा नमक और पानी डाल देंगे और बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब एक बाउल लेंगे, उसमें सिंघाड़े का आटा डालेंगे, साबुदाना पिसा हुआ डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हरी चटनी डाल देंगे 2 बड़े चम्मच और इसी में नमक डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। इसमें आप सिंघाड़े का आटा लेंगे और राजगीर का आटा भी ले सकते हैं सिंघाड़े के आटे की जगह, लेकिन भगर नहीं डालना है, मुरैया का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके दही बड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डाल देंगे, ऑयल से स्पंज अच्छा आएगा इसलिए ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि फलहार के जितने भी आइटम होते हैं उसमें सोडा इनो कई जगह यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा करी पत्ता कट कर कर डाल देंगे, छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए और डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसे ढककर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस ऑन करेंगे और उसमें एक पैन रखेंगे और ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए बढ़िया स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है, लेकिन साबुदाना जब फूलता है तो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अगर आपको थोड़ा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसमें हम सारे बड़े फ्राई कर लेंगे, छोटे छोटे पीस डाल दीजिए ऑयल में। काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं ये और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए धीमी आंच पर ही आपको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो अंदर से सिक नहीं पाते हैं बड़े। अब इनको पलटते जाएं। ये देखिए तैयार हो गए हैं सारे बड़े। अब यदि आप बड़े दही के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो चटनी के साथ भी, मूंगफली की चटनी या नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी, किसी भी चटनी के साथ इनको खा सकते हैं। और यदि आपको दही बड़े बनाना है तो फिर आप एक पैन गरम कीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, ज़ीरा डालिए, जीरा अच्छे से भुन जाता है तब इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे और पानी डाल देंगे।
अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक आप डाल दीजिए, क्योंकि हमने बड़े के पेस्ट में भी नमक डाला था। अभी पानी को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे, अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा कर लेंगे। देखिए पानी बॉईल हो चुका है, अब इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए। अब इन सारे बड़ों को यदि दही बड़े बनाना है तो पानी में डालकर हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि सॉफ्ट हो जाएंगे बड़े सारे। तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। दही का तैयार करने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें दही डालेंगे और बारीक पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपका दही काफ़ी गाढ़ा है या थिक है तो इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि एकदम स्मूथ दही तैयार हो जाएगा। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इन सारे बड़ों को हम निकाल लेंगे, पानी निकाल देंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब सभी बड़ों को पानी निकाल दीजिए। ये देखिए सारे बड़े निकाल लिए हमने। अब इसमें इनके ऊपर दही डाल देंगे। अब इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे। थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। अब इसके ऊपर फलाहारी नमक डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे और इसके ऊपर आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। देखिए कितने बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं। हरा धनिया से डेकोरेट कर देंगे। बढ़िया से दही बड़े हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और दही बड़े आप जब भी बना रहे हैं तो साबूदाने का पाउडर जब डालेंगे तो उसको भिगोकर जरूर रखिए। 30 मिनट भिगोएंगे, जैसे साबूदाने हम गला कर रखते हैं तो वो फूल जाता है, इसी तरह से इसका पेस्ट भी स्पंज अच्छा तभी आएगा। और भगर ना डालें, नहीं तो भगर से क्या होता है कड़ा हो जाता है तो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो एक बार आप ज़रूर इसे बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।